Hey guys, welcome back to the channel. तो भाई आज हमारे पास हॉट कंटेंट यानी अपनी करिश्मा XMR 210 है और उसी के साथ R15। भाई इन दोनों का बैटल जो है ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहता है, आप सभी को मालूम है। तो इन दोनों की करने वाले हैं ड्रैग रेस और ड्रैग रेस में देखते हैं कि कौन सी बाइक विनर होगी। मुझको तो भाई जहाँ तक मालूम है तो मे भी शायद हो सकता है R15 भी निकल जाए, मे भी हो सकता है ये भी निकल जाए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, दोनों ही राइडर्स तैयार हैं। भाई XMR की पावर, पहले चल रही है थोड़ी सी पीछे, R15 भी बगल में चल रही है येरी। मौका नहीं देना लक्की बिल्कुल भी R15 को। ओह, R15 पर लथाड़ दिया भाई ने तो, क्यों गया निकल गई। डेफिनेटली भाई उसकी पावर ज़्यादा निकलेगी आगे। धूल चटा दी, धूल R15 को, धूल 141। यहाँ थोड़ा सा धीरे कर लेता हूँ, R15 का मौका भी मिल जाएगा। अभी भी बहुत गैप है, थोड़ा सा ट्रैफिक। ओ भाई ये तो निकलती आ रही है गाड़ी, ठीक है कवर करेंगे। मौका मिल गया, मौका पर कोई नहीं, R15 का मौका मिल गया था, कोई नहीं। सथार देंगे, जा रही है करिश्मा। तो भाई फाइनल विनर अपनी XMR है, वो आगे आ गई थी, वो थोड़ा सा क्लिप ऐसी हो गई। XMR जीत गई अपनी टॉप एंड में भी, इनिशियल में भी और मिड में भी। मौका नहीं देता तो ये जरा सी जो देर के लिए आगे आई ना हमारी बेचारी छोटी सी अपनी R1 कहता था पहले मैं इसको, तो वो नहीं आने की थी आगे। अब चलो उसका लग रहा है लॉन्च थोड़ा सा कमज़ोर था मेरे मुकाबले, पर XMR निकलने को हो रही है आगे। बगल में ही है भाई, बगल में ही है रही। अब निकलेगी आगे, 120 पे फ्लाई बाय मारा उसने, 120 पे 31-30। बराबर चल रहा है मामला, आगे निकल गई है।
ऐसा कैसे हो सकता है रे, ऐसा कैसे। क्या हो गया है? बहुत बम्प फील हो रहे हैं। वैसे कितनी गई टॉप एंड, कितनी गई टॉप एंड? 140 जाती है वैसे, 149 तक। कोई नहीं, इस रोड पे वो है, पर हमें पता है कि पावर किसके अंदर एक्चुअल में ज़्यादा है, और जो भी आप लोगों ने देख भी लिया उसके अंदर ना यार वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना, उस वजह से वो थोड़ा सा रह जाता है मामला पानी। एक बार और कर लेगा टॉप एंड, कर लेगा एक बार, खींच लेगा टॉप एंड तक। चल एक बार थोड़ा सा बस टॉप स्पीड लगाइए, कौन सबसे पहले अपनी गाड़ी की टॉप स्पीड लगा देता है। क्विक शिफ्टर का इसमें फायदा हो जाता है, अभी तक आगे नहीं आई XMR, अब निकली है XMR 107 पे। अभी इसी से अंदाजा लगा लो गैप, देखो कितना बनता जा रहा है XMR और मेरे बीच में। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक आया, मेरे को धीरे करनी पड़ गई। धीरे करनी पड़ गई थी दोबारा फॉर्म में, पर गैप इतना बन गया। ये देखो बाउंस बहुत ज्यादा है, तो कोई नहीं, आपको इसी चीज से पता लग जाएगा कि अगर जब 120 में वो फ्लाई बाय देते हुए जा रही है ना, तो जो गैप मेंटेन होता जा रहा है वो टॉप एंड तक ही वो गैप मेंटेन रहेगा। जी करिश्मा अपनी ऑल टाइम विनर। क्या ये तो ज़्यादा नहीं गई, 136 गई हैं, 140 चली गई, 147 कह रहा, पता नहीं कितनी कह रहा। चलो जी, और टॉप एंड टू टॉप एंड नहीं था, फुल पोटेंशियल था। जब भाई वो बेमतलब में भगाने वाली बात है, जब वो बहुत गैप बना ही लिए तो कंटिन्यूसली भगाते भगाते भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो तो बस यही है कि बेमतलब में 155 लगानी है तो लगानी है वाली बात आ गई। और XMR भाई ऑल टाइम विनर है, वेट में भारी होने के बावजूद भी, बजट में हल्की होने के बावजूद भी। और चलो करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।